व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 to the power 105? 7 का घात 105 में इकाई अंक क्या है? देखिए, मैंने बताया था कि अगर इकाई के अंक के जगह पर 0, 1, 5, 6 रहे तो इकाई का अंक में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। मान लीजिए कि मेरे पास यह संख्या है, पावर चाहे जो कुछ भी हो, अगर इकाई अंक पर 5 हो तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 5। 4 और 9 का रूल मैंने आपको बताया था, नहीं? तो 4 और 9 का रूल भी आपको याद होगा। कहा था कि 4 के पावर 1 दीजिएगा तो कितना होगा? 4। 4 के पावर 2 रहेगा तो 16, यानी 6। अगर विषम संख्या रहे 4 के पावर में तो इकाई का अंक हमेशा 4, और सम संख्या यानी 2, 4, 6 रहे तो हमेशा 6। 9 का भी रूल बताए थे कि अगर 1 पावर यानी विषम रहे तो 9, और अगर सम रहे तो हमेशा 9 के पावर 2 यानी 9 × 9 81 का 1, इकाई अंक हमेशा क्या होगा? लेकिन अगर अंतिम अंक 2, 3 उसके बाद 7, 8 हो तो 4 के बाद यानी यह अगर अंक रहे इकाई पर तो हमेशा 4 से घात को भाग देंगे, जो शेष आएगा वही पावर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका 7 है तो 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल जो आएगा, 4 से भाग दीजिएगा 105 में, तो 4 × 8 और 2, 4 × 6 = 24, शेष कितना आएगा? 1। तो यही 7 के पावर 1 यानी 7, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।